Hello friends, welcome back to our channel. My name is Rakesh and our motto is to build the next smarter generation. आज हम आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए हैं जो खेलने में आपके बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और साथ ही में उनकी अमेजिंग लर्निंग होगी. और इस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेशन में हमें हेल्प करेंगे माई डॉटर स्तुति हु इज़ 2.7 ईयर्स ओल्ड एंड माई वाइफ लीना हु इज़ द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस एक्टिविटीज़. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आर DIY एक्टिविटीज़ एंड लर्निंग वीडियोज़. If you're watching this video for the first time, I would really recommend you go and watch the part 1 first so that you can have a continuation and the link is given in the description box below. बिना ज़्यादा खर्चा किए घर की चीज़ों को लेकर आप बच्चों के लिए कैसे गेम बना सकते हैं, उनके साथ कैसे एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, हम इस पर फोकस करेंगे. हम ये भी ध्यान रखेंगे कि बच्चों की लर्निंग जो स्पीड है वो कैसे हम स्पीडन अप कर सकते हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि आपके बच्चे के एज लेवल के हिसाब से हम उनकी डिफिकल्टी लेवल कैसे एडजस्ट करेंगे. जस्ट टू सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट, वी विल बी शोइंग यू हाउ द DIY इज एक्चुअली सपोज्ड टू बी मेड इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल मेकिंग ऑफ इट वीडियो. एंड बिफोर यू मूव अहेड, इफ यू न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस. एंड टू वॉच आवर प्रीवियस वीडियोस ऑन ग्रूमिंग फाइन मोटर स्किल्स एंड इंटरैक्टिव गेम्स प्लीज चेक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लर्न अपोजिट्स. आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक बॉक्स, स्मॉल साइज आइसक्रीम स्टिक्स, बिग स्ट्रॉज एंड बिग एंड स्मॉल पॉम्पम बॉल्स. इस DIY के लिए हमने एक बॉक्स लिया है. आप कोई भी घर पे अवेलेबल या ऑनलाइन शॉपिंग वाला बॉक्स ले सकते हैं. उसमें आप विद द हेल्प ऑफ सीजर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट ऐसे कट लगा लीजिए एंड बिग एंड स्मॉल साइज होल्स बना दीजिए और प्रिंटेड कलरफुल पेपर से उसे रैप कर दीजिए. अगर आपके पास कलरफुल पेपर नहीं है तो यू कैन यूज़ सिंपल वाइट पेपर और उसमें आप अपने बच्चे के हिसाब से वो बॉक्स को कलर करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. एंड प्लीज़ रिमेंबर टू कीप वन साइड ओपन सो आप अंदर डाली हुई चीज़ें आसानी से बाहर निकाल पाए. एंड आस्क योर किड टू पुट द लॉन्ग स्टिक एंड स्ट्रॉ इन द लॉन्ग गैप एंड स्मॉल आइसक्रीम स्टिक्स इन द स्मॉल गैप. वैसे ही बच्चों को बिग पॉम्पम बॉल्स बिग होल में एंड स्मॉल पॉम्पम बॉल्स स्मॉल होल में डालने बोलिए और इसे बार बार रिपीट करिए. आप हाथ में पॉम्पम बॉल्स लेकर ये एक्टिविटी भी उनके साथ कर सकते हैं कि आप ये बताइए कि ये बिग बॉल है, ये स्मॉल बॉल है, ये बिग स्टिक है, ये स्मॉल स्टिक है. आप जितने बार ये रिपीट करेंगे उनमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा. नाउ द बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एक्टिविटी इज स्मॉल एंड थिन ऑब्जेक्ट्स जब वो पकड़ते हैं तो उनकी फिंगर ग्रिपिंग इम्प्रूव होती है. डेफिनेटली उससे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं. हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होता है. बच्चों में सॉर्टिंग नॉलेज क्लियर हो जाती है और बच्चों को अपोजिट्स याद रखने में आसानी होती है, जैसे कि लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, इन, आउट, बॉक्स ओपन एंड क्लोज. तो ये जो अपोजिट्स है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. आप ये कोशिश करिए कि जब ये आप सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं तब आप 2 से 3 लैंग्वेज में आप उनको समझाइए. सो वेरी अनकॉन्शियसली आप वो 2 से 3 लैंग्वेज में बार बार बोलते रहिए, क्योंकि 5 से 6 साल तक बच्चे आसानी से 3 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं. और कोई भी एक्टिविटी आप एक बार करके छोड़ मत दीजिए, नहीं तो पूरा आपका एफर्ट वेस्ट हो जाएगा. आपको वो रिपीट करना है. और रिपीट का मतलब क्या कि आपको 2 से 3 घंटे एक ही एक्टिविटी बार बार नहीं करानी है. 2 या 3 बार एक दिन में वो एक्टिविटी कराइए और हफ्ते में 3 से 4 बार कराइए. दैट शुड बी द फ्रीक्वेंसी थ्रू विच यू एंड योर किड विल नॉट गेट बोर्ड एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ अ रेगुलर थिंग विच दे विल डू एंड दैट विल हेल्प देम रिमेंबर ऑल दिस स्टफ. कार पार्किंग. आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक प्लेन वाइट पेपर, कुछ कलर्स एंड कार्स. आप कार्स बनाने के लिए कोई भी हार्ड पेपर ले सकते हैं या मेडिसिन बॉक्स ले सकते हैं. अब ये सारी चीज़ें बनाए कैसे? आप जैसे देख सकते हैं पेपर पे कलर की पार्किंग स्लॉट्स बना ले, सेम कलर्स के कार्स बना ले. अब कार्स कैसे बनानी है? कार्ड पेपर पे या फिर बॉक्स पे वाइट पेपर स्टिक करिए एंड देन कार की शेप्स बना के उसे कट करिए और उनको जैसे पार्किंग स्लॉट्स है उसी का कलर दे दीजिए. इज़न दैट सिंपल? नाउ आस्क योर किड टू पार्क द कार इन द मैचिंग स्लॉट. जैसे ही आप नोटिस करेंगे कि आपके बच्चे कलर के हिसाब से आसानी से कार पार्क कर पा रहे हैं, आप उनकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दो बाय एडिंग रैंडम नंबर्स ऑन द पेपर. आप बच्चे को बताइए कि पेपर पे जैसे नंबर है उसी सीक्वेंस में आपको कार पार्क करनी है. इससे सीक्वेंसिंग नॉलेज भी उनकी बढ़ेगी.
आप इसी एक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं, आप ये ट्रिक आजमाइए। कार पार्किंग पे आप 1, 3, 5, 7, 9 सारे ऑड नंबर्स ड्रॉ करो और कार पे 2, 4, 6, 8, 10 सारे इवन नंबर्स ऐड करो और बच्चों को बोलो कि 1 के बाद जो नंबर आता है वो कार आप सेम लॉट में पार्क कर दो। इससे बच्चों की जो सीक्वेंसिंग नॉलेज है वो बढ़ेगी और नेक्स्ट नंबर एंड प्रीवियस नंबर, ये जो लॉजिक है ये भी उनका क्लियर हो जाएगा। इससे बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग बूस्ट होगी, बच्चे कलर एंड नंबर मैच कर पाएंगे और खेलते ही खेलते बच्चों की ब्रेन पावर स्टिमुलेट हो जाती है और नेक्स्ट एंड प्रीवियस नंबर वाला कॉन्सेप्ट उनको इंट्रोड्यूस होगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस DIY के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? एक प्लेन वाइट पेपर, कुछ कलर्स एंड कुछ ऑब्जेक्ट शेप्स जैसे कार, शिप, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, बस एक्सेट्रा मेड बाय हैंड। अब ये सारी चीज़ें कैसे बनाएं? पेपर पे आपको 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ड्रॉ करनी है, रोड, वाटर एंड एयर। अगर आप ड्राइंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हो नो प्रॉब्लम, आप पेपर पे 3 सेक्शंस बना लीजिए, उस पर लिखिए रोड, वाटर एंड एयर। रोड के लिए आप ब्राउन कलर यूज़ करिए, वाटर के लिए आप ग्रीन या डार्क ब्लू कलर यूज़ करिए, एयर के लिए लाइट ब्लू कलर यूज़ करिए और उसमें क्लाउड ज़रूर बनाइए सो दैट इट इज़ ईजीली आइडेंटिफाइड एज एयर। हार्ड पेपर पे कार, बस, एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर, शिप, सबमरीन ड्रॉ करके कलर करके उसको कट कर लीजिए। अगर आपसे ये नहीं हो पाएगा और आपके पास प्रिंटर एक्सेसिबिलिटी है, आप प्रिंटआउट निकाल के आप उसको हार्ड पेपर पे स्टिक करिए, फिर ये एक्टिविटी करिए। नाउ मेक द किड्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउ डू दे ऑपरेट। जैसे कार रोड पे चलती है और कार जो चलाते हैं उसे ड्राइवर कहते हैं, एयरप्लेन स्काई में फ्लाई होता है और जो उन्हें फ्लाई करते हैं उन्हें पायलट कहते हैं, शिप पानी में चलती है और इस तरह आप उनको सिखा सकते हैं। एंड देन उन्हें ये बाइफिकेशन करने बोलिए। इस तरह बच्चों को टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लियर होंगे। ग्रेजुअली आप उनको फ्यूल कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं, बस एंड बस स्टॉप ये कोरिलेशन आप बता सकते हैं, जैसे रेलवे, रेलवे स्टेशन, शिप, पोर्ट, एयरप्लेन, एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर लैंड्स ऑन अ हेलीपैड, ये सारी जो रिलेशनशिप है ये आप उनको बता सकते हैं। ये सब आप बार बार रिपीट जब आप करेंगे तो उनका ये लॉजिक क्लियर होगा। और एक एग्जांपल है, इजी एक्सेसिबल है बस स्टॉप, आप उन्हें बस स्टॉप पे लेके जाइए, आप उनको लाइव एक्सपीरियंस करवाइए कि ये बस स्टॉप है बेटा, अभी बस आएगी, बस में से पैसेंजर्स उतरेंगे, पैसेंजर्स चढ़ेंगे, तो ये बस, बस स्टॉप, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, ये जो रिलेशन है ये उनका क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जो स्कूल में फ्लैश कार्ड या TV पे अगर वो बस देखेंगे तो उन्हें ये पूरा कॉन्सेप्ट फिर से रिकलेक्ट होगा। सो दिस विल हेल्प योर किड्स ओवरऑल ग्रूमिंग। Find the pair. This is one of the most interesting activity and personally my favorite game for Stuti. Is DIY के लिए आपको एक plain white paper, कुछ colors and कुछ objects के shapes बनाने हैं। ये एक pair matching activity है, तो आपके objects होने चाहिए, for example laptop, TV, baby, shirt, lock, saucer, etc. और उनके pair के cuts बना लो, जैसे कि laptop के लिए एक mouse, remote, baby bottle, pant, key, cup, etc. And ask your child to match the pair like a cup and a saucer, laptop and a mouse, TV and remote, shirt and pant, etc. इससे उनकी object relation and observation power बढ़ने में help होगी, साथ में बच्चों के pair matching की logic भी clear होगी। अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट लेवल को समझ के आप इस एक्टिविटी की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एनिमल्स एंड देयर होम के रिलेशन का गेम बना सकते हैं, जैसे लायन स्टेज इन अ डेन, हॉर्स इन अ स्टेबल, स्पाइडर, वेब, हैन, कूप, ये सब आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग में इतने अच्छे नहीं है या आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप डेफिनेटली प्रिंटआउट्स लेके भी ये गेम खेल सकते हैं, बट आई एम श्योर योर किड इज़ गोना लव दिस गेम एंड दिस इज़ एन एक्सेलेंट ब्रेन बूस्टर एक्टिविटी। हाँ, वेरी नाइस। बॉटल, बेबी पाइपी, बेबी पाइपी। तो आज आपने हमारे दोनों वीडियो से ये सीखा कि सिंगल एक्टिविटी से मल्टीपल बेनिफिट्स, मल्टीपल लर्निंग्स कैसे मिलती हैं एंड दैट टू विद फन। सो इफ यू रियली लाइक द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू वांट अस टू मेक सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव वीडियोस फॉर यू एंड योर किड,
Please like, share, subscribe and comment below. It was a great pleasure sharing this video. Thank you for watching. Bye-bye.